परम भक्त श्री जयदेव जी की पत्नी का राजभवन में बड़ा सम्मान था। राजभवन की महिलाएं उनके घर आकर उनके सत्संग का लाभ उठाया करती थी। एक दिन बातों बातों में ही रानी से पद्मावती ने कहा, जो स्त्री पति के मर जाने पर उसकी देह के साथ सती हो जाती है वह नीच श्रेणी की सती है। सच्ची पतिव्रता तो पति की मृत्यु का संवाद पाते ही प्राण त्याग देती है। पति की मृत्यु का समाचार पाकर उसके प्राण क्षण भर भी शरीर में नहीं टिक सकते। रानी को यह बात ठीक नहीं लगी। उसके मन में ईर्ष्या जग उठी। पद्मावती जी की परीक्षा करने का उन्होंने निश्चय कर लिया। एक समय नरेश आखेट में गए थे, जयदेव जी को भी अपने साथ ले गए थे। अवसर का लाभ उठाकर रानी ने मुख उदास बनाकर पद्मावती के पास जाकर कहा, पंडित जी को वन में सिंह खा गया। रानी से यह बात सुनते ही पद्मावती श्री कृष्ण कहकर धराम से पृथ्वी पर गिर पड़ी और उसका शरीर निष्प्राण हो गया। रानी के तो होश उड़ गए, उनके दुख का पार नहीं था। महाराज के साथ जयदेव जी नगर में लौटे। उन्हें समाचार दिया गया। जयदेव जी को पत्नी की मृत्यु का दुख नहीं था। दुख हुआ उन्हें रानी के शोक की बात सुनकर। उन्होंने कहलाया, रानी मासी कहो वे घबराए नहीं। मेरी मृत्यु के संवाद से पद्मावती के प्राण निकले हैं, तो अब मेरे जीवित लौटने पर उनके प्राणों को लौटाना भी पड़ेगा। जयदेव जी ने भगवान से प्रार्थना की और पद्मावती के देह के पास कीर्तन प्रारंभ किया। धीरे धीरे पद्मावती के शरीर में चेतना लौट आई और वे उठ बैठी।